कितनी गाय हैं यहाँ पे? एक गाय है। ये अपने दानक समाज के लिए राहुल नरवीर सिंह जी से हमने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने की पहली जमीन थी गांव में पुरानी जी, कुई की जमीन थी, उसके बदले में मैंने ये जमीन पास करवाई है 500 कुछ गज। सुबह शाम दो बच्चे वर्जिश करने आते, अपनी जो मेहनत होती है पसंद होती है। जो रिटेनिंग वाल है इस तालाब का, मैंने इसको सुखवा कर जी, अभी कुछ तो रिटेनिंग वाल हो चुका है, मेरे ही कार्यकाल में इसका काम हुआ है। उसमें इस तालाब में मैंने माँ कलों में जो अपना वाटर सप्लाई का पानी आता है जी, सवत दो पानी होता है वो करवाया। योगेंद्र सिंह जी, बैलेट बॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो आप अपने बारे में बताएं, शिक्षा आपका क्या अनुभव रहा है? मैं गांव में एक मध्यम वर्ग से आता हूँ, जमींदारा मेरे पिताजी ने भी किया था, हमने भी किया है, अपने गांव वाले स्कूल से ही पढ़े हूँ, सरकारी स्कूल से। मेरा शिक्षा का तो यही अनुभव है। आपका अब तक प्रधानी का क्या अनुभव रहा है आपका, क्या आपके जीवन जीवन का ये है, मैं बचपन से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, छोटी उम्र से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जैसे गांव में पहले क्या था, एक दो टंकी होया करती बिजली की जी, उसके बाद मैंने बिजली वालों के अफसरों से संपर्क कर कर आज 30 टंकियों के करीब लगवा रखी है बिजली। मुझे पानी की लाइनों का था, पानी की समस्या होया करती गांव में, तकरीबन समस्या वो पानी की खत्म करी। शुरू से ही मेरा यही अनुभव रहा है समाज सेवा में, गांव के प्रति अच्छा काम करो। आप अपने संगठन के बारे में, जो आप किसी संगठन से जुड़े हुए हो, उसके उद्देश्य के बारे में? मेरा संगठन मेरा गांव है जी, और मेरे जो अपने यार दोस्त है सारा यही मेरा संगठन। तीसरा सवाल हमारा आपसे है कि आपके द्वारा जो गांव में विकास कार्य कराए गए हैं, उनकी हम विस्तार से जानकारी चाहिए। मैं जब भी पहले से ये बता दियो, बिजली की टंकी पानी का मेरा मेन मुद्दा होया है। हमारे से आज तक मैंने सरकार को ज़्यादातर आज तक कोई वो मांगा ही नहीं है कोई फंड ठीक। मेरे खुद के गाँव की पंचायत की जमीन सेक्टर रोडों में एक बार बैंक हुई थी, ये बिजली पावर हाउस में भी, जब से ही उसे पंचायती जो हमारा भाड़ा किराया हुआ है जो उसका ब्याज जो आता है ना जी, उससे ही अपने गांव का विकास कार्य चला रहे हैं जी। मंत्री जी तो कहते रहते हैं भाई, जो तरह कुछ ब्याज के राशि की उसमें पूरा मंत्री जी का पूरा योगदान रहा है। जैसे हमने 18.5 एकड़ जमीन गाँव ने 24 गाँव के लिए एक गौशालाएँ बनाई है, उस गौशाला में कैटल सेड बनाया सरकार के द्वारा, रास्ता बनाया है, पानी की व्यवस्था करी है, व्यायामशाला हमारी गांव में अखाड़ा जो बोलते हैं जितनी अखाड़ा लड़कियों को लड़कों का जी, उसमें भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, एक होम बनाया है बड़ा जी, रूम बनाए हैं, कुछ ग्राउंड बनाया, ग्राउंड तैयार किया है बच्चों के लिए, पार्क है गाँव में 2 एकड़ का पार्क तैयार किया है जी, 2 एकड़ में बढ़िया। स्कूल के लिए भी अच्छे काम किए हैं, जो भी स्कूल में जरूरत पड़ी है, जो पंचायतों की जरूरत होती है वो पूरी हो गई है, 2 कमरे लड़कियों के अभी 2 कमरे और 2 ग्राउंड बनाए हैं जी। पीएचसी है अपनी, पीएचसी में भी अच्छा काम किया है जी, जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा काम किया गाँव के प्रति। जैसे पानी की लाइनों की लिखी जीन थी या कोई और वो काम थे, बलिया सड़क थी, रोड थी, जो भी कुछ है PWD राहुल नरवीर सिंह की वजह से बहुत ही अच्छे काम किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधान जी आपसे कि गांव का जो विकास कार्य हो रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फंड मिल रहा है कि आप गांव प्रधान वो अपने ही खर्चे पे इसको करवा रहे हैं? अपने खर्चा तो कुछ होता ही नहीं इस पंचायत का, तो ये पैसा आपके पास क्या कहाँ से आ रहा है? पैसा हमारी जमीन रिक्वायरमेंट का हुआ है, पंचायती लैंड रिक्वायरमेंट हुई थी, उसके पैसे के फंड से
ये सारा विकास कार्य करा रहे हैं। तो मंत्री जी से भी हमने जय दफे भी पैसा मांगे वह जय दफे दिया। जैसे हमारी मदद समिति से आप आ जाता है जिला उधर भी मंत्री के पौधे टूटे थे हमारे को पूरा सहयोग दे रही हरियाणा में टॉप नंबर के मंत्री है पहले नंबर पर। पानी के बारे में भी यहाँ जैसे मैंने यहाँ पता किया कि पानी के बारे में यहाँ पे पानी के टैंकर से आप अभी यहाँ पे पानी की सुविधा मुहैया करा रहे हैं तो इसके बारे में पानी के टैंकरों का तो है कोई वो एक ही थी वो हमारे गांव में तीन बूस्टिंग स्टेशन है जी। एक बूस्टिंग स्टेशन पे माकरो जैसे पानी आता है और दो बसिंग प्लांट से जो प्लांट है उससे जी। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको पानी मिल रहा है? पूरा गवर्नमेंट का पूरा सहयोग रहा है जी। और अब तो मेरा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और अब तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं वो उसका पहला नारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का है। बेटी बचाओ यही हमारे राव नरवीर सिंह जी का अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और PWD मंत्री है राव नरवीर सिंह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब कार काम करते समय आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा या कोई ऐसी अच्छा साथ दिया अब तक आगे भी देता रहेगा। समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए यह अच्छे काम करो अच्छा पढ़ो अच्छा पहनो मेरा यही हुआ। प्रधान जी क्षेत्र के लिए आपके पांच ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो उसकी हम आपकी सबसे पहला मुद्दा तो पढ़ाई का ही है जी। दूसरा अपने पानी का तीसरा अपने रोड सड़कों का चौथा मुद्दा ये है तो बाल बेटियों की सुरक्षा जी। अपने पूरे एरिया में सबसे मेन चीज तो गाँव सुरक्षित होना चाहिए। गांव के लिए आगे की कोई आपकी रणनीति या आपके लिए ऐसा के आपने कोई बनाई हो स्ट्रेटजी इस तरीके के आपके आप विकास के लिए किस तरीके से आगे विकास का काम करेंगे? एक तो गांव के स्कूलों का जी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग हो जाए किसी सरकार द्वारा मैसेज दिए भी है हमने प्रस्ताव भी भेज रखे हैं। एक तो लड़कों और लड़कियों का स्कूल अलग अलग हो जाए। एक IIT कॉलेज की बात चल रही है डीसी साहब से हमारी जी प्रशासन से। एक मेडिकल कॉलेज अपने राव नरवीर सिंह जी लाए हैं यहाँ अपने खिड़की माजरा में ये हमारी 7-8-10 सरपंच है उनके सहयोग से ही आया। लास्ट हम ये आपसे पूछना चाहते हैं अब आपका गांव सेक्टर 103 में आ गया है हाँ जी तो यहाँ पे बसावट भी होने वाली है आने वाले समय में तो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? अच्छा ही है अच्छे फैमिली वाले आएंगे ऐसे कोई वो थोड़ी है जो आदमी पैसे लगाएगा वो अच्छी फैमिली से आता है। जो हमारी जमींदारों की जमीन खरीद गए फ्लैट सोसाइटी जो बनाई है अच्छी फैमिली से आएगा और अच्छे ही विकास के लिए भी हमारा सहयोग पूरा है। शुक्रिया सर।